हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द समरी ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन द टाइगर किंग एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज मिस्टर कल्की कृष्णामूर्ति, जिन्हें लोग कल्की भी कहते हैं प्यार से. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे दोस्तों, आपको भी अच्छी लगेगी. अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई एस गोस्वामी. तो कहानी की शुरुआत हुई है, एक राजा घर में एक राजकुमार पैदा हुआ. जब वो सिर्फ 10 दिन का था, एक ज्योतिषी ने आकर ऐसी भविष्यवाणी की कि आगे चलकर एक टाइगर ही इस राजा का वध करेगा. उसी समय उस 10 दिन के बच्चे ने ही कहा, लेट्स टाइगर्स बेवेयर, कि टाइगर्स लोगों को सावधान हो जाना चाहिए या टाइगर्स को सावधान होना चाहिए. ये बात सुनकर बाकी लोग अजीब से हैरत में पड़ गए कि 10 दिन का बच्चा क्या कह रहा है. जब वो राजकुमार 10 साल का हुआ, बहुत अच्छे ठाट बाट से पाला गया, सफ़ेद गाय का दूध पीता था, एक ब्रिटिश मेड रखी गई थी उसकी देखभाल के लिए, ऐसे बहुत अच्छे शौक थे उसके. वो सारी पढ़ाई कर रहा था, सब अपना काम सीख रहा था और बहुत ही राजसी ठाट बाट से रह रहा था. जब वो 20 साल का हुआ तो राजा बन गया. तब उसे एक्चुअली बताया गया कि किसी ज्योतिषी ने उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन किया था. उस दिन से उस राजा ने एक सनक सी अपने ऊपर चढ़ा ली कि मुझे 100 टाइगर्स को ख़त्म करना है, क्योंकि प्रेडिक्शन ये थी कि 99 टाइगर्स तो वो अपने हाथों से मार देगा, लेकिन जो 100 टाइगर होगा वो उन सबका बदला लेगा उससे. और उसने एक ऐसा नियम भी बनाया कि उसके स्टेट में कोई भी, चाहे विजिटर्स हो, चाहे कोई ब्रिटिश ऑफिसर हो, कोई भी बड़ा राजा भी आए तो भी उसके क्षेत्र में टाइगर हंटिंग नहीं कर पाएगा. एक ब्रिटिश ऑफिसर आए अपनी खूबसूरत बीवी के साथ, उन्हें भी उसने अपने क्षेत्र में टाइगर हंटिंग नहीं करने दी, क्योंकि वो नाराज़ ना हो जाएं और बड़ा एक्शन ना ले लें उसके राजकाज पर. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़माना था. तो उसकी वाइफ के लिए 50 डायमंड्स का एक गिफ्ट भेजा, जिसकी कीमत उस ज़माने में 3 लाख रुपए थी, खुश करने के लिए. और उसकी ट्रिक काम कर गई, वो ब्रिटिश ऑफिसर चला गया उस गिफ्ट को लेके, बीवी खुश हो गई. वो अपने टाइगर्स का शिकार करता रहा, 70 तक पहुंचा. उसके बाद उसके क्षेत्र में टाइगर्स ना के बराबर रह गए, लगभग एक भी टाइगर नहीं था जो उसे मिलता. अब वो अपने 100 का शतक, 100 टाइगर्स कैसे पूरे करता, जिस तरह तेंदुलकर के शतकों का शतक का इंतज़ार था, उसे भी बहुत इंतज़ार था. फिर उसने एक ऐसी राजकुमारी से शादी की जिस क्षेत्र में और शेर हुआ करते थे. अब वो अपनी ससुराल जब जाता तो बाकी आम जो दामाद अपनी ससुराल जाते थे, वहाँ जाकर मिठाई खाते थे, हलवा खाते थे, खीर खाते थे, वहाँ के आम खाते थे, फल खाते थे, अपनी सेवा कराते थे, ये जनाब वहाँ जाकर टाइगर्स मारते थे, हर बार 5-6 निपटा आते थे. और हौले हौले वो 99 तक पहुँच गया. जिस तरह तेंदुलकर को 99 शतकों के बाद 100वें शतक का इंटरनेशनल बहुत लंबा वेट करना पड़ा, इसका वेट भी बहुत हो गया. 100वां शेर मिल ही नहीं रहा था कहीं. एक दिन दीवान ने अपने दोस्तों से मिलकर एक प्लान बनाया, क्योंकि राजा बार बार उससे भड़कता था, मुझे वो टाइगर्स का शतक पूरा करना है. तो एक सर्कस से लाकर एक शेर उसके इलाके में छोड़ दिया गया. राजा राइफल लेकर गया, उसने गोली मारी, लेकिन वो गोली उस टाइगर के पास से गुजर गई कंधे से लगती हुई. लेकिन उनके दीवान ने और साथियों ने ही जताया कि वो शिकार हो गया है, और बाद में खुद उस शेर को मारकर उसके सामने उसकी डेड बॉडी पेश कर दी और सेलिब्रेशन भी करा दिया. पार्टी भी हो गई साहब, सब ने गिफ्ट भी ले लिए सेलिब्रेशन में. राजा उस दिन से रिलैक्स हो गया कि उसने अपना शिकार पूरा कर लिया, अब वो अमर हो गया है, शायद अब शेर उसे नहीं मार पाएगा. कुछ दिनों बाद उसके बेटे का तीसरा बर्थडे आया, वो बाज़ार में गया, उसे एक खूबसूरत लकड़ी का एक शेर मिला जो बहुत खूबसूरत बना हुआ था. उसने उससे कहा भी कितने का है, तो जानबूझ के उसने बहुत महंगा रेट बताया दुकानदार ने, जिससे वो ऑर्डिनरी ना लगे. उसने कहा था बहुत नायाब ये टाइगर है, वुडन टाइगर है. और वो ले आया, उस टाइगर में जो ऊपर नक्काशी थी वो थोड़ी खुरदुरी थी, उसमें जगह जगह से कुछ खुरदुरापन था. राजा जब अपने बेटे को खिला रहा था तो वो कहीं उससे खुरदुरापन उसकी उंगली में लग गया, और कुछ दिनों बाद वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि राजा की मौत हो गई. इस तरह से उस प्रेडिक्शन की बात सही साबित हुई उस एस्ट्रोलॉजर की, चाहे वो वुडन टाइगर नहीं सही, बाकी 99 इवन वो 100 टाइगर का बदला ले लिया. और इस तरह ये कहानी इंटरेस्टिंग मोड पर जाकर ख़त्म हुई. अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई
video and subscribe my YouTube channel. And lots of love to all of you. Take care. Bye. और share जरूर करें इस video को. नमस्कार.